तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज डेट है 3 जुलाई और आज है संडे, कल मंडे रहेगा। सो कल देखते हैं कैसा ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में, क्या व्यू हो सकता है। सो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। सो इसको हम वन डे पर लेते हैं, वन डे टाइम फ्रेम। थोड़ा सा अगर किसी चीज़ को एनालाइज करना हो किसी चार्ट को, तो बड़े टाइम फ्रेम से शुरुआत किया जाना चाहिए। सो यहाँ पर आप देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। मार्केट काफ़ी दिनों से एक रेंज क्रिएट किया है और यहाँ पर देखिए लोअर लो का पैटर्न फॉलो कर रहा है मार्केट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डाउन आया, यहाँ से एक अपना लोअर लो फॉर्मेशन किया, यहाँ पर किया और एक यहाँ पर नया क्रिएट किया है। सो यहाँ पर देखिए अराउंड यहाँ से अगर देखते हैं हम, सो यहाँ पर देखिए 5 बार मार्केट ने लोअर लो फॉर्मेशन को, सो यहाँ पर देखते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए मार्केट ने यहाँ पर एक हमें बुलिश का साइन थोड़ा सा दिया है कि हो सकता है यहाँ से मार्केट, सो यहाँ पर देखिए मार्केट हमें एक बुलिश का साइन दे रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होना चाह रहा है। सो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 बार टच हो चुका है और यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से एक इसने डोजी क्रिएट किया था और यहाँ से मार्केट नीचे नहीं गया, ऊपर 2 ग्रीन कैंडल क्रिएट कर दिया है। अगर इसी को हम 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर लेते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है। सो हमें एक यहाँ पर ऐसा पैटर्न दिख रहा है, ओके ये वाला पैटर्न देखते हैं। ये हमें एक यहाँ पर हमें ये यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो यहाँ तक हमें सिर्फ एक इनवर्स हिडन शोल्डर का पैटर्न दिख रहा है। और यहाँ पर देखेंगे ये एक रिटेस्ट वाला कैंडल है जो कि इसके इसको ब्रेक नहीं किया है, इस कैंडल को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए मार्केट ने अपने इस वेव को ब्रेक नहीं किया, यहाँ से ऊपर की ओर मोमेंटम करना शुरू कर दिया है। सो ये एक साइन हो सकता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है। सो मार्केट का यहाँ पर हम एक देखते हैं, ये सपोर्ट हमारा क्रिएट हुआ यहाँ पर और मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया है। और इसी को 10 मिनट टाइम फ्रेम पर लेते हैं तो यहाँ से हमें एक छोटे से टाइम फ्रेम में यहाँ पर हमें इनवर्स हिडन शोल्डर का पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर हम एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट मंडे को बुलिश हो सकता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स लेने की कोशिश कर रहा है। सो और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया है। सो हो सकता है हमें आगे चल के अच्छा मोमेंटम अपसाइड के लिए मिल सकता है। सो यहाँ पर मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेता हूँ और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। सो अगर यहाँ पर देखें फिबोनाची लगाते हैं और यहाँ से लेकर इस वाले लो को, यहाँ से इस वाले लो को और इस वाले हाई को पकड़ते हैं, तब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। मार्केट ने, मार्केट का जो यहाँ पर 50% एरिया था, यहाँ पर इसको ब्रेक करके डाउन आया एंड देन अपसाइड का मोमेंटम शुरू कर दिया। और यहाँ पर इसने अपना जो 38 पॉइंट का लेवल था, 0.38 का, यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया है। सो अब यहाँ पर कल मार्केट में क्या हो सकता है इसको देखते हैं थोड़ा सा। सो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी में आ जाता है 33,500 से लेकर 33,600 के बीच में। तो 33,500 और 33,600 के बीच में बहुत इम्पोर्टेंट हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ यहाँ पर, जिसको इसने ब्रेक करके अपसाइड का यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। अगर कल निकलता है मार्केट तो 33,800 से लेकर 33,850 तक का लेवल बहुत आराम से हमें अपसाइड के लिए मिल जाएगा। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अगर फ्लैट खुलता है देन हम यहाँ पर तुरंत अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पर एक पोजीशन ले सकते हैं 850 या 800 के आसपास के लिए। और अगर यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी गैप अप खुलता है कहीं आसपास, यहाँ कहीं खुलता है, देन हम थोड़ा सा वेट करेंगे, एक कोई प्राइस एक्शन हो क्रिएट हो उसके बाद हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। बिना प्राइस एक्शन कर गैप अप होता है देन यहाँ पर प्राइस एक्शन का हमें वेट करना होगा। और अगर गैप डाउन भी होता है मार्केट देन हम तब भी यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर फ्लैट खुलता है देन हम बहुत अच्छे से यहाँ पर अपसाइड का, हमें जैसा ही कोई कैंडल क्रिएट होता है या कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है देन हम यहाँ पर एक पोजीशन ले सकते हैं 800 के आसपास के लिए। और अगर डाउन साइड का हमें मिलता है देन हम थोड़ा सा कम क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अगर अपसाइड के लिए भी आपको मिलता है तब भी आप कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करिएगा, और अगर डाउन साइड के लिए मिलता है तब भी यहाँ पर कम क्वांटिटी से आप ट्रेड करिएगा।
यहाँ पर आप डाउन साइड के लिए आप यहाँ तक 33,234 के आसपास के लिए आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड के लिए, और 33,800 या 850 के बीच में आप ट्रेड ले सकते हैं अप साइड के लिए अगर फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो, क्योंकि चांसेस आर वेरी हाई मार्केट यहाँ अगर नीचे भी आता है देन अप साइड का मोमेंटम कर देगा आराम से। सो हमें बहुत ही जल्द 34,000 का लेवल देखने को मिल जाएगा बहुत जल्दी ही, अगेन मार्केट बुलिश रहेगा उस दिन। और देखते हैं हम यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी में क्या हो सकता है, तो निफ्टी फिफ्टी में ओपन करते हैं। सो बैंक निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी का जो मोमेंटम रहेगा, जो पैटर्न क्रिएट होगा वो सेम ही क्रिएट होगा ज़्यादातर। सो यहाँ पर भी देखिए मार्केट ने, यहाँ पर भी वन डे का टाइम फ्रेम भी है, यहाँ पर भी मार्केट ने लोअर लो वाला अपना लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन क्रिएट किया है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे मार्केट में यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है। सो यहाँ पर देखिए यहाँ से एक पैटर्न हमें दिख रहा है ये वाला, ओके ये रहा इनवर्स सीरम होल्डर का पैटर्न, वन डे में भी हमें दिख रहा है। और अगर मार्केट और यहाँ पर वन डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे ये बुलिश कैंडल है जो क्रिएट हुआ है। सो इसको मैं एक यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, इसको 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे जाते हैं यहाँ पर, और ये जो हमारा इनवर्स सीरम होल्डर बना था इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। और अगर अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट का कई सारा सपोर्ट आसपास क्रिएट हुआ है जो कि हर बार मार्केट को डाउन साइड के लिए मोमेंटम करा देता है। सो अगर कल अगेन यहाँ पर मंडे को मार्केट ये वाला इसका जो ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रहा है इसको ध्यान रखना पड़ेगा हमें, इस वाले ट्रेंड लाइन को, अगर इस वाले ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक करता है अराउंड यहाँ पर ये वाला जो इसका सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है मार्केट, देन यहाँ पर एक पोजीशन हम क्रिएट कर सकते हैं छोटे से मोमेंटम लेने के लिए अराउंड 15,924 के आसपास, क्योंकि 16,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है। यहाँ पर मार्केट कुछ हमें डाउन साइड का मोमेंटम दिखा सकता है, तो यहाँ से लेके हम 15,924 के आसपास या 15,900 के आसपास के लिए हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। सो यहाँ भी सेम कंडीशन रहेगी, अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुलता है देन हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज अगर मार्केट गैप अप खुलता है देन यहाँ पर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे कोई क्रिएट होने का, और अगर डाउन साइड में मार्केट ओपन होता है देन तब भी हम यहाँ पर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। सो अगर यहाँ पर आप देखेंगे डाउन साइड का आपको यहाँ पर ट्रेड मिल जाता है तो आप यहाँ आराम से 15,650 टारगेट के लिए आप ले सकते हैं अगर मार्केट अब फ्लैट खुल के डाउन साइड आता है तो, और अगर गैप डाउन खुलता है देन यहाँ पर फिर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे किसी। यहाँ भी चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके अपसाइड का मोमेंटम करेगा कल के दिन। और यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा HDFC बैंक स्टॉक्स के बारे में। सो बैंक निफ्टी का ही पार्ट है HDFC बैंक, और यहाँ पर 1 आवर्स का हम चार्ट लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी देखिए मार्केट ने यहाँ पर काफ़ी दिनों से साइडवेज मोमेंटम कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे मार्केट ने काफ़ी दिनों से यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम किया है, और यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल क्रिएट किया है मार्केट। अगर कल इस बेयरिश कैंडल को मार्केट ब्रेक करता है देन हम यहाँ पर मोमेंटम ले सकते हैं अराउंड यहाँ तक 1370 के आसपास के लिए, थोड़ा सा बड़ा या 1360 से 1370 के आसपास के, 1360 अगर ब्रेक करता है देन हम 1370 के लिए आराम से 10 रुपये का हम यहाँ पर प्रॉफिट ले सकते हैं। और अगर डाउन साइड में मार्केट ओपन होता है देन हम थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा इसका सपोर्ट है नीचे, सो मार्केट कहीं से भी घूम सकता है, तो हम वेट करेंगे अराउंड ये वाला नीचे इसको ब्रेक करें देन हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पर हम देखें ICICI बैंक को, सो ये ICICI बैंक है, और यहाँ पर भी हमें एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन क्रिएट होती दिख रही है यहाँ से यहाँ के लिए। और अगर अब यहाँ पर अगर यहाँ से मार्केट आ जाता है देन यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनाया जाएगा। सो 706 मार्केट अभी यहाँ पर क्लोजिंग दिया, 711 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता यहाँ पर कोई भी ट्रेड बाइंग के लिए इनिशिएट नहीं करना है। अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है देन हम यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकते हैं, और यहाँ पर हमें बहुत अच्छा मोमेंटम अराउंड मिल सकता है। सो पहला हमें मोमेंटम यहाँ पर 10 रुपये के आसपास मिल सकता है 719 या 720 के आसपास का,
एंड सेकेंड मार्केट यहाँ पर जब आएगा 722 के आसपास, देन यहाँ पर इसका एक हैवी रेसिस्टेंस मिलेगा, यहाँ से मार्केट डाउन हो सकता है थोड़ा सा। सो इसका हम वेट करना है, अगर मार्केट फ्लैट होता है देन हम ये सारा काम करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट करेंगे कि मार्केट अगर कोई प्राइस एक्शन दिखाता है देन हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। सो ये रहा है ये आज का एनालिसिस है जो कि हम मंडे को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो अपने मनी मैनेजमेंट के साथ यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा कुछ सीखना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, वहाँ पर जाके आप जुड़ सकते हैं फ्री में। कोई आपको डीमैट अकाउंट नहीं खोलना है, कोई चार्ज नहीं देना उसके लिए, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं और आपको वहाँ पर बहुत सारा कुछ सीखने को मिल जाएगा। सो ओके फ्रेंड, थैंक यू।